क्रिश, क्रिश सुनो ना प्लीज। हाथ हाथ काहे लगाया तुमने? नहीं देंगे तुमको, नहीं देंगे। अम्मा अभिजीत, अम्मा अम्मा बैठी बैठी अम्मा। कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल सुहागन में देखने को मिलेगा अब नया तूफान। क्रिश लेकर आ चुका है पायल को घर वापस। जी हाँ, जिस तरीके से कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल सुहागन में हम देख रहे हैं कि जो क्रिश है वो पायल को घर लेकर आ जाता है। कोर्ट के बाद घर लेकर आ गया है, पायल का हाथ उसने कस के पकड़ा हुआ है। सबके सामने कहता है कि पायल को घर से निकालना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, लेकिन अब पायल इसी घर में रहेगी। अम्मा हमें एक बात बताओ, आपका ख्याल कौन रखता है? बिंदिया ना? हाँ। तो फिर आपकी चीजों का ख्याल कौन रखेगा? बिंदिया बता नाम का है? क्रिश। किस किस पोता? अरे नहीं अम्मा, कृष्णा। कृष्णा अच्छा है, बहुत अच्छा नाम है। दूसरी ओर बिंदिया जो है अम्मा जी की डायरी पढ़ रही होती है। अम्मा जी की डायरी को पढ़ते पढ़ते उसे एहसास होता है कि अम्मा जी की कहानी तो ठीक वैसी ही है जैसे कि हमारी कहानी है। पायल, क्रिश और बिंदिया की जितने भी उलझने हैं, जो भी इनके जिंदगी में चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही अम्मा जी की कहानी भी थी। जैसे जैसे बिंदिया इस किताब को पढ़ रही है, डायरी को पढ़ रही है, वैसे वैसे उसे एहसास हो रहा है कि ये तो बिल्कुल हमारे जैसा ही है। वहीं पर दूसरी ओर हॉल से आवाज आने लगती है क्रिश की। क्रिश हंगामा कर रहा है कि पायल को भेजना हमारी बहुत बड़ी गलती थी, अब पायल इस घर में ही रहेगी। वहीं पर बिंदिया भी जब आ जाती है तो पायल उसे पीछे से आंख मारती है और दिखाती है कि देखो मैं एक बार फिर से घर में वापस आ गई हूँ, मैं यहाँ पर बाजी जीत गई हूँ। पायल और बिंदिया के बीच में ये चलता ही रहता है। दूसरी और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्रिश बिंदिया का साथ देगा, क्योंकि बिंदिया ठानने वाली है कि वो अम्मा जी को इंसाफ दिलाएगी, कावेरी का पता लगाएगी, कावेरी को सजा दिलवाएगी। वेल कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।